जब गाइस कैसे हो आप लोग। तो यार आज मैं आ चुका हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, जिसमें गाइस हम करने वाले हैं गोल्ड फार्म बनाने वाले हैं। और गाइस ये एक बंदे ने, मतलब हमारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि भाई गोल्ड फार्म पर प्लीज़ वीडियो बनाओ। तो यार गोल्ड फार्म पे ये देखो, वो उस बंदे ने कहा था गोल्ड फार्म प्लीज़ बनाओ। तो यार अपन ने गोल्ड फार्म बना दिया है अपने क्यूब क्राफ्ट में। तो यार आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि कैसे बनाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई, जो हमारा गोल्ड फार्म है उस पर गाइस आप लोगों को एफ के रहना है। और मेरा जो गोल्ड फार्म है गाइस वो कोको बीन के पास है। तो यार मैं ऊपर की तरफ चला जाता हूँ कोको बीन में। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई कि जो हमारा गोल्ड फार्म है वो एकदम ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। और यहाँ पर से अपन पहले फटाफट आप लोगों को दिखा देते हैं भाई कि हमारे यहाँ पर हमारे पास 21 गोल्ड नगेट रहते हैं। तो यार एक मिनट के लिए अपन ऊपर की तरफ चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि अपन कहाँ पर एफ के रहते हैं। और गाइस जो भी चैनल पर नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। और गाइस किस टाइप का और फार्म चाहिए आप लोगों को, आप लोगों के लिए मैं लेकर आ जाऊँगा गोल्ड फार्म। जैसे अभी हो गया, आप लोगों को किसी भी टाइप का फार्म चाहिए क्यूब क्राफ्ट के लिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा गाइस। और गाइस आप लोगों को ईजी मनी कैसे बनाना है ये सब भी जानना हो तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उस पर ऊपर ज़रूर वीडियो लाऊंगा। सो यहाँ पर 2 मिनट के लिए अपन एफ के बैठते हैं। सो यहाँ पर अपन फटाफट नीचे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा कितना नगेट हुआ है। सो गाइस वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि जो मैंने लगाया हुआ है ऊपर की तरफ एक डर्ट, तो यार वहाँ पर वो जो लगाया हुआ है वो स्पॉनर के लिए लगाया हुआ है। वहाँ पर भी आप एफ के रह सकते हो, कोई मसला नहीं है। सो यहाँ पर से अपन ऊपर जाके एफ के रह सकते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हो भाई कि हमारे कुछ ही सेकेंड में, मतलब आप लोगों से बात करते करते ही हमारे को 9 नगेट मिल चुका है। शुरू करते हैं फार्म बनाना और आप लोगों को दिखाते हैं कैसे बनाना है फार्म। हम न्यू वर्ल्ड में आ चुके हैं एक, तो आप लोगों को मैं पहले फार्म बनाकर दिखा देता हूँ कि फार्म कैसे बनाना है। आप लोग भी पहले गाइस प्रैक्टिस कर लेना भाई कि कैसे बनाना है एक न्यू वर्ल्ड में, मतलब न्यू क्रिएट करके आप लोग बना लेना। तो यहाँ पर डर्ट ले लेते हैं, स्लैब ले लेते हैं, हॉपर ले लेते हैं। गाइस देखो डर्ट, स्लैब, हॉपर मैं गाइस डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि क्या क्या लगेगा। आप लोगों को गाइस डर्ट जो यूज़ करना है वो आप लोगों को एक स्टैक यूज़ करना है, मतलब एक स्टैक करके चार जगह, मतलब चार एरिया बनाना है। सो वो आप लोगों को मैं एरिया दिखा दूंगा। तो गाइस आप लोग 64 करके चार स्टैक यूज़ करोगे डर्ट सिर्फ टॉप करने के लिए, मतलब ऊपर तरफ करने के लिए। क्योंकि गाइस जो आपका पिगमैन रहता है उसकी HP समटाइम हाई रहती है, इसी वजह से वो नहीं मरते हैं। सो वो ज़्यादा हाई रखोगे तो फ़ायदा होगा कि वो लोग गिरेंगे, एक शॉट लगेगा कैक्टस से और मर जाएंगे और आप लोगों को गोल्ड नगेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर से कैक्टस वगैरह सब ले लेते हैं, सैंड ले लेते हैं, वाटर बकेट ले लेते हैं, चेस्ट ले लेते हैं। तो फटाफट क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले 2 चेस्ट लगानी है। 2 चेस्ट लगा के आप लोगों को हॉपर कनेक्ट करना है। सो यहाँ पर से अपन पहले 2 चेस्ट लगा देते हैं उसके ऊपर गाइस। यहाँ पर से साइड से हॉपर लगाएंगे उसके ऊपर मूव करते हुए, और उसके ऊपर 2 हॉपर और लगाएंगे। एक हॉपर लगा चुके हैं। सो यहाँ पर से डर्ट लगा कर देखते हैं। सो यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि वहाँ पर अगर अपन करते हैं तो वो नहीं होगा, नहीं होगा यहाँ पर, नहीं होगा ये। तो आप लोगों को 2 ये करना है, नहीं होगा वो। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये वाला नहीं हो रहा था। सो गाइस आप लोगों को 2 डर्ट लगाना है। तो यहाँ पर अगर अपन स्लैब लगाएंगे तो उसके ऊपर डर्ट लगेगा, तो 2 ब्लॉक हमारा डर्ट का लगेगा। आप लोग देख लो गाइस कि मैं कैसे बना रहा हूँ। 2 ब्लॉक डर्ट यहाँ पर देखो, 2 ब्लॉक डर्ट और फिर सैंड, नहीं 3 ब्लॉक डर्ट आई थिंक, 1 2 और एक आई थिंक, हाँ 2 ब्लॉक डर्ट और 1 सैंड। तो यहाँ पर 3 हॉपर लगेगा, एक तुम्हारा चेस्ट से कनेक्ट होते हुए और 2 ऊपर की तरफ हॉपर होगा। सो यहाँ पर देख सकते हो भाई कि अपन 2 डर्ट लगाएंगे, 1 2 और यहाँ पर सैंड, फिर 2 ब्लॉक डर्ट, फिर सैंड। यहाँ पर देख सकते हो भाई कि जो तीसरा वाला हॉपर है, यहाँ पर देख लो गाइस पूरा डिज़ाइन। आप लोग ऐसे ही बनाना, आप लोग 1 टाइम में ही बना सकते हो डायरेक्ट अपने क्यूब क्राफ्ट में। बस तुम्हारा हॉपर को मत लगाना जब तक तुम्हारा फार्म ना बन जाए, मतलब ये कि स्पॉनर को मत लगाना। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला हो चुका है, इसके ऊपर क्या करेंगे अपन, कैक्टस लगा देंगे। 1 2 2 2 ही लगाना, 1 2 1 2 1 2। सो यहाँ पर 2 2 लगा चुके हो। तो गाइस आप लोगों को एक एक स्टैक, ठीक है, एक एक स्टैक चारों तरफ लगाना है। तो यार यहाँ पर मैं ऊपर तरफ कर देता हूँ, फिर सोचता हूँ भाई कि आप लोगों को मैं बता दूँ कि कैसे करके करना है। फटाफट क्या करते हैं अपन, फटाफट ये सारा तोड़ लेते हैं। और गाइस आप लोगों को पूरा एक एक स्टैक पूरा ऊपर तक लगाना है। मुझे 2 मिनटों में सारा एक एक स्टैक लगा कर आप लोगों से मिलता हूँ। यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि अपन डर्ट जो होता है वो डर्ट अपने इन्वेंट्री में ले लेते हैं, 4 स्टैक। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई कि अपन इन्वेंट्री में 4 स्टैक डर्ट ले चुके हैं।
ठीक है, तो 4 स्टैक टका के आप लोगों से मैं 2 मिनट में मिलता हूँ। ओके। कि एक स्टैक पूरा डायमंड अपन लगा, मतलब डर्ट लगा चुके थे, डायमंड बोला था सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पर सारा डर्ट लगा चुके हैं। सो अपन क्या करते हैं, फटाफट अपन क्रिएटिव कर देते हैं, क्योंकि यार अपन अभी ये आप लोगों को दिखाने के लिए बनाए हैं। सो फटाफट क्या करते हैं, अपन डर्ट ले लेते हैं और यहाँ पर हमारा एक एक स्टैक हो चुका है। तो आप लोग एक चीज़ गौर करना कि आपका जहाँ से आप लोग ये लगा रहे हो, क्या बोलते हैं, यहाँ पर देख लो भाई कि मैं आप लोगों को क्या दिखाने मांग रहा हूँ। सो यहाँ पर से आप लोग एक वाटर बकेट से डायरेक्ट पानी लगा के, क्योंकि ये आप लोग सर्वाइवल में करोगे तो आप लोग पानी लगा देना, पानी लगा के नीचे की तरफ चला जाना। सो यहाँ पर अपन क्रिएटिव में थे तो फटाफट अपन नीचे चले जाते हैं। सो यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि जहाँ से चेस्ट होगा, चेस्ट के पास वाला जो ये होगा, जैसे चेस्ट यहाँ से स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट जा के, सो यहाँ पर देख लो भाई कि चेस्ट जहाँ से गया वहाँ पर चेस्ट है ये वाले ब्लॉक में, तुम्हारा राइट साइड के ब्लॉक में। सो यहाँ के जो लेफ़्ट साइड वाला मिडिल ब्लॉक है, मतलब मिडिल वाला ब्लॉक होगा चेस्ट के ऑपोजिट साइड में, मतलब आगे वाले साइड में। सो यहाँ पर से 1 2 3 4 6 7 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ब्लॉक तो गई। यहाँ पर देख सकते हो भाई कि यहाँ पर अपन ने ये एरिया जो बनाया, सो यहाँ पर से अपन पानी लगाएंगे तो एक एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि एक एरिया छोटा कर देंगे। टोटल आप लोगों को 8 ब्लॉक रखनी है खाली। सो यार यहाँ पर गिर जाता हूँ मैं। सो यार क्रिएटिव में खेलने का मुझे आदत नहीं है, इसी वजह से इतना बीटी हो रहा है। सो यहाँ पर क्या करेंगे कि आगे वाला ब्लॉक तोड़ देंगे और इधर में पानी लगा देंगे। सो आप लोग एक चीज़, ये चीज़ गौर करो, ये चीज़ मैंने लाइव स्ट्रीम में किया था अपने जो फार्म है पिगमैन वाला, जिसमें अपन गोल्ड फार्म है जो हमारा मेन वर्ल्ड में। सो यहाँ पर ये चीज़ देखो कि यहाँ पर से एक ब्लॉक जो है, यहाँ पर देख सकते हो कि अपन ने यहाँ पर 3 ब्लॉक लगा दिए। ये वो ब्लॉक जो हाइड किया है मैंने, ये ब्लॉक हाइड किस लिए किया है आप लोगों को मैं बताता हूँ। सो यहाँ पर से आप लोगों ने आगे किया और यहाँ पर से स्ट्रेट किया। सो सीन क्या होता था, सम टाइम वो लोग आते थे और वहाँ पर स्टक हो जाते थे वो जगह पे, इसीलिए वो जगह को मैंने मतलब एक ब्लॉक ये किया हुआ है। सो यहाँ पर फटाफट ये कर लेते हैं, यहाँ पर पूरा एरिया कवर, 3 4 3 4। सो यहाँ पर देख सकते हो भाई कि एक ब्लॉक ऊंचा भी रख सकते हो और आप लोग डायरेक्ट एक ब्लॉक नीचे भी रख सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। तो मैं नीचे में ही रख रहा हूँ क्योंकि यार ऊपर रख के कोई फ़ायदा नहीं है एक ब्लॉक। सो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, सो यहाँ पर अपन गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। सो यार क्रिएटिव में खेलने का एकदम आदत नहीं है यार मुझे, इसलिए इतना बीटी हो रहा है। और गाइस मैंने फ्लैट एरिया में बनाया है इसलिए आप लोगों को एरिया थोड़ा सा गाइस ये दिख रहा होगा साइड का ब्लरी ब्लरी, उसके लिए सॉरी। सो यहाँ पर क्या करेंगे, एक ब्लॉक आगे और एक ब्लॉक ऊपर। सो यहाँ पर से आगे कर लेना। सो अपन थोड़ा सा फास्ट कर रहे थे उसके लिए सॉरी। सो यहाँ पर देख सकते हो भाई कि अपन ने कैसा कर लिया, यहाँ पर ये जो अपन कर रहे हैं, ये अपन कर रहे हैं तुम्हारा कि हमें पता है कि इतने ब्लॉक में हो जाएगा। तो फटाफट क्या करते हैं, फटाफट ये सारा फिल कर देते हैं। सो अपन तो गाइस क्रिएटिव में कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सर्वाइवल में करोगे तो थोड़ा सा संभल के करना, क्योंकि आप लोगों के एक्सपी और कॉइन हो सकते हैं, स्काई ब्लॉक के बीटी हो सकता है। सो वीडियो बनाना था इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं अपन। सो इसी वजह से उसके थोड़ा सा माफ़ कर देना। सो यहाँ पर देख सकते हो भाई कि अपन ने यहाँ पर लगा दिया। सो ये वाले एरिया को अपन ये कर देंगे और यहाँ पर पानी लगा कर दिखा देंगे।
सो आप लोग वाटर के एक ट्रिक कर सकते हो, मतलब अनलिमिटेड वाटर के लिए दो बकेट लेकर आना ऊपर की तरफ। अभी तो अपन लाइक अनलिमिटेड हमारे पास वाटर सोर्स है, मतलब क्रिएटिव में हूँ मैं इसलिए। तो यार आप लोग क्या करना, एक ब्लॉक सबसे पहले में लगाना, फिर थर्ड ब्लॉक में पानी लगाना और सेकेंड ब्लॉक से पानी ले लेना अपने दो बकेट में। मतलब दो बकेट लाए, फर्स्ट और थर्ड में लगाया, सेकेंड से आप दो पानी का बकेट निकाल सकते हो। फिर आप जो थर्ड में लगाए, फिर आप फिफ्थ में लगाओ, फिर तुम्हारा सेवन्थ में लगाओ, फिर नाइन्थ में लगाओ, हो जाएगा वैसे। सो यहाँ पर से क्या करना है, ये वाली जगह को मतलब जो खाली है उसको आपको फिल कर देना तीन ब्लॉक तक ऊंचा, दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। आप लोग चार ब्लॉक भी कर सकते हो, मैंने तीन ब्लॉक किया है क्योंकि यार अपन तो ऊपर की तरफ नहीं आने वाले। सो यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर काम ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हो कि अपन ने सारा ब्लॉक लगा दिया है तीन ब्लॉक करके, और आप लोग ऊंचा करना चाहो तो ऊंचा कर सकते हो। तो मैंने चार ब्लॉक कर दिया है, सेफ्टी इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि यार सम टाइम तुम्हारा जब तुम ये लगाते हो स्केलेटन वाला लगाते हो सो वो लोग आपको मारते हैं। सो अब गाइज मैं जो भी फॉर्म बना रहा हूँ वो मैं नीचे से ही बना रहा हूँ, मतलब अपन नीचे से ही हॉपर लगा सकते हो ऊपर, मतलब क्या बोलते हैं स्पॉनर लगा सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो भाई कि यहाँ पर से जहाँ से चेस्ट है तो यहाँ पर ऊपर में बना हुआ है। सो यहाँ पर से पांच ब्लॉक आगे जाकर तुम्हारा यहाँ पर से गिन लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो सात ब्लॉक आगे जाके स्ट्रेट ऊपर की तरफ पूरा एक स्टैक आप लोगों को लगा देना। और गाइस पांच ब्लॉक नीचे लगाना या चार ब्लॉक नीचे रखना, क्योंकि गाइस सम टाइम क्या होता है कि जब आप लोग ऊपर सबसे ऊपर लगा देते हो तो लैडर से वो लोग नीचे आ जाते हैं। सो उसमें से बीटी ये होता है, जब आप एफ के रहते हो नीचे की तरफ तब वो लैडर से आके आपको मार सकते हैं, इसी वजह से पांच ब्लॉक नीचे लगाना तो आपका इजी हो। सो यहाँ पर मैं काउंट कर लेता हूँ, एक दो, एक दो तीन, तीन चार, चार ब्लॉक अपन तोड़े हुए रखेंगे। सो यहाँ पर से अपन फटाफट स्पॉनर ले लेते हैं, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि आप लोग ऐसे स्पॉनर लगाओगे तो वो लोग इजीली स्पॉन हो जाएंगे। आप लोग जब स्पॉनर लगाओगे उनके तुरंत ही आप लोगों का वो आ जाएगा। और गाइस आप लोगों को अगर नेदर में किसी चीज़ का फार्म चाहिए, लगेगा पिगमेंट फार्म हो गया, स्केलेटन फार्म हो गया, विदर स्केलेटन हो गया, फिर तुम्हारा विच हो गया, तो आप लोग बताओ मुझे, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लेकर आ जाऊँगा। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेजर कर रहा था कि कौन से एरिया में लगाना है। सो गाइस आप लोग दो ब्लॉक छोड़ कर लगाना है, जो जहाँ से पानी है, मतलब जहाँ पर आपने लास्ट ब्लॉक लगाया स्टार्टिंग ब्लॉक है जहाँ, वहाँ से आप लोग दो ब्लॉक छोड़ कर लगा सकते हो। सो यहाँ पर देख सकते हो भाई जो पिगमैन है वो नीचे की तरफ स्पॉन हो गया, वो नहीं वो मर जाएगा। सो यहाँ पर देख सकते हो भाई कि जो पिगमैन है वो स्पॉन हो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी हो रहे हैं पिगमैन, और यहाँ पर नीचे आकर मर जा रहे हैं। सो यहाँ पर गाइस पिगमैन का मैं ये देख रहा था कि एक कौन सा, क्योंकि यार हमारा जो क्यूब क्राफ्ट वाला पिगमैन है वो अलग रहता है, आई डोंट नो वाई, तो यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। सो मैंने सर्च भी किया, तो आप लोगों को मैं मेन क्यूब क्राफ्ट में वर्ल्ड में जाकर दिखा देता हूँ। हम आ चुके अपने मेन वर्ल्ड में, तो यार यहाँ पर देख सकते हो भाई कि जो हमारा पिगमैन है उसमें गाइस अच्छे खासे नगेट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसे जो गाइस आप लोगों को मैं लैडर बता रहा था, तो यार मैं यहाँ पर लैडर बना कर रखा हूँ, और यहाँ पर हमारे टोटल पांच स्पॉनर लगे हुए हैं पिगमैन के, तो इससे अच्छा खासा हमें गोल्ड नगेट मिल जाता है। तो यार यहाँ पर मैं भी ज़्यादा एफ के नहीं रह रहा हूँ। तो यार प्रियांशु की कमेंट आई थी कि यार गोल्ड फार्म बना दो यार, तो इसके लिए गाइस आप लोगों की कमेंट मैं प्रायोरिटी रखता हूँ भाई, कि हमारे पब्लिक सब्सक्राइबर जो बोल रहे हैं उनके लिए वो फार्म आना चाहिए। तो यार आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ, और गाइस किसी भी टाइप का अगर फार्म चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दो तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। और गाइस 50 सब्सक्राइबर का टारगेट रखते हैं, तो फटाफट सब्सक्राइबर कम्प्लीट करा दो, और कोई भी फार्म चाहिए तो कमेंट करो, मैं ज़रूर लेकर आ जाऊँगा। तो लेते हैं अलविदा आप लोगों से, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे। और गाइस मे भी मैं ब्लेज फार्म बनाने का मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि यार ब्लेज अभी मैंने ब्लेज आइलैंड खोला है, तो आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो जाकर देख लेना ब्लेज फार्म वाली आइलैंड जो आखिरी आइलैंड रहती है। तो यहाँ पर से नीचे चलते थोड़ा सा एफ के, आप लोगों से बात करते करते एफ के भी रह गया, तो मैं फटाफट देख लेता हूँ कि कितने नगेट्स मिले। तो यहाँ पर 41 थे, तो दो ही नगेट मिले हैं, क्योंकि यार यहाँ पर वो नहीं मर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से हम लेते हैं अलविदा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय। और ब्लेज वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखो फटाफट।